हेलो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है ड्राई सोया चिली। चलिए बनाते हैं। हमें सबसे पहले चाहिए होगा सोया चंक्स या सोयाबीन की बड़ियां। इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें पानी बॉईल करके नमक डालेंगे और अब इन सोया चंक्स को हम 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। देखिए हमारे सोया चंक्स बॉईल हो चुके हैं, अब हम इन्हें नॉर्मल पानी में निकाल देंगे। अब हम सोया चंक्स को स्क्वीज करके एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने एक बाउल में सोया चंक्स लिए हैं, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, 1 टीस्पून चाट मसाला और थोड़ी कश्मीरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। हम लेंगे 2 टीस्पून दही, ध्यान रखिए दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। साथ ही हम डाल लेंगे 3 से 4 स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर बाइंडिंग का काम करेगा, अच्छे से इसे मिक्स कर दें। 5 to 7 मिनट के लिए हमें इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। देखिए ये मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे। इन्हें हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये हमारे सोया चंक्स फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे ग्रेवी। ग्रेवी के लिए कढ़ाई को गर्म कीजिए, ओनली 2 टीस्पून ऑयल डालिएगा क्योंकि ऑयल ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। थोड़ा सा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हम यहाँ भी डालेंगे। इसे सॉटे करेंगे। अब हम ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। बारीक कटी शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मिर्च। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सॉटे करेंगे। थोड़ा नमक ऐड करेंगे। अब जो स्लाइस किए हुए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर हैं, हम उन्हें भी ऐड कर देंगे। इस समय गैस की फ्लेम को तेज रखिएगा। अच्छे से मिक्स कर लें। अब 1 से 2 मिनट हम इसे कवर करके पकाएंगे। हमारी सब्जियां कुक हो गई हैं। अब ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून पिज्जा सॉस, 2 टीस्पून टोमेटो सॉस, 1 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून विनेगर और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे।
मसाला ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। लास्ट में हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर की स्लरी। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में 4 टेबलस्पून पानी डाल के इसकी स्लरी बनाई है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2-3 स्पून पानी। इसे कवर करके पकाएंगे 2-3 मिनट। देखिए हमारी ग्रेवी रेडी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे सोया चंक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/4 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे। हरा धनिया ऐड करेंगे। इसे हम 2 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि जो हमारे सोया चंक्स हैं वो ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए और सोया चंक्स में भी ग्रेवी का टेस्ट आ जाए। देखिए हमारी सोया चिली रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे।